आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चुका है दोपहर के 2 बजे और आपके खास शो आप मेरे साथ देख रहे हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो बेहद ही अहम मुद्दा है। आखिर नए सेनापति की रेस में कौन शामिल होगा, कौन होगा बीजेपी यूपी का नया सेनापति? सियासी रूप से देश में सबसे अहम प्रदेश में बीजेपी के नए सेनापति को लेकर चर्चा तेज है। स्वतंत्र देव सिंह का जो भी उत्तराधिकारी होगा उसी के अगुवाई में 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी यूपी में अपना क्या नया अध्यक्ष ब्राह्मण, दलित या फिर ओबीसी समुदाय से किसी को बनाएगा। स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। इसके अलावा हाल ही में उनको विधान परिषद का नेता भी चुना गया है। विधान परिषद में उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह ली है। आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे कि आखिर कौन नया सेनापति होगा, आखिर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए किसको साधने की कोशिश करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावी मूड में रहती है, हमेशा से वो फील्ड में रहती है, हमेशा से वो किसी का भी चुनाव करती है तो इस चीज़ का और आगामी चुनाव का ध्यान रख करके ही करती है। और इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से खास मेहमान जुड़ेंगे। नए अध्यक्ष के नामों पर अटकलें तेज, किसको मिलेगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान, अब किस चेहरे पर दाव खेलेगी बीजेपी, दलित ओबीसी या ब्राह्मण कौन होगा नया सेनापति? लगातार तमाम तरह की अटकलें और तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही है। हर कोई यही अंदाजा लगाने में लगा हुआ है कि आखिर कौन होगा नया सेनापति भारतीय जनता पार्टी यूपी का, यूपी बीजेपी अध्यक्ष आखिर कौन होगा। तमाम तरह की खबरों के बीच ये भी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद एक बयान दिया कि अभी मैं ही हूँ अध्यक्ष के रूप में और आगे जो भी शिक्षण शिविर चल रहे हैं उसमें अध्यक्ष के रूप में मैं ही शामिल होऊंगा। तो तमाम तरह की सूत्रों की जो खबरें आ रही थी उस पर तो स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्ण विराम लगा दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, अभी प्रदेश अध्यक्ष मैं ही हूँ। और उसके बाद अब सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि आखिर नया चेहरा कौन होगा, किसका नाम होगा उत्तर प्रदेश के नया सेनापति के रूप में। और आपको बता दें कि 2022 का चुनाव में भी इन्होंने खासा अपना योगदान दिया था, एक खास जिम्मेदारी उठाई थी। उसके बाद अब 2024 के लिए हालांकि इनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, समाप्त होने के बाद सबसे ज़्यादा नए जो सेनापति हैं उन पर नज़र सबकी टिकी हुई है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ आप जनता के जवाबों के साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अवनीश त्यागी मौजूद हैं और वही विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी, लगातार जनता का सवाल है और जनता यही अटकलें लगा रही है कि अगर स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल खत्म होता है तो बीजेपी यूपी का नया सेनापति कौन होगा। क्या 2024 को देखते हुए आप लोग पंडित चेहरा, दलित या फिर ओबीसी को साधने की कोशिश करेंगे? मेरा कौन होगा ये फैसला करना तो पार्टी हाईकमान का निर्णय है, ये उन्हीं का अधिकार है कि किसको बनाएगा, किसको जिम्मेदारी मिलेगी। पर ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को तवज्जो देती है, उसे महत्व देती है। एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने का हक होता है। और निश्चित रूप से जब चुनाव नजदीक होते हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी जब राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ती है तो क्षेत्रीय भी ध्यान रखती है, जातीय अभिगणित ध्यान रखती है, सारी चीजों का दृढ़ ध्यान रखते ही कोई व्यक्ति चुनाव होता है। और मुझे लग रहा है जल्दी जो फैसला होगा वो अच्छा होगा और देश के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा और भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा और कार्यकर्ता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की का मूल मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को आगे अपने को बढ़ाती है और इसी के आधार पर जल्दी फैसला।
विवेक पांडे, लगातार जनता का ये भी सवाल है कि जो उपचुनाव हुए हैं दोनों सीटों पर, रामपुर और आजमगढ़ में, इसको देखते हुए MY समीकरण को पूरी तरह बिगाड़ने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी आपका 2024 में, और इसको देखते हुए किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या कहना आपका इस पर, और जनता के सवालों का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मंच को अनुमोदन करते हुए मैं अपनी बात को रखता हूँ, और सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है समाजवादी पार्टी को आरोपित करने के प्रयास में। अब इनके पास तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए इतने अच्छे, मुझे लगता है सक्षम नेता है, ओम प्रकाश राजभर जी को बना दें, कौन मना कर रहा है। और क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है भाई, ये तो इम्पोर्टेड विधायकों और नेताओं से अपनी पार्टी चलाते हैं, और जो इनके जो कर्तव्यनिष्ठ जमीनी कार्यकर्ता हैं, जैसे मैं कई नाम गिनवा सकता हूं आपको उंगलियों पे, उनको तो दरकिनार करके साइडलाइन कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक विषय पे हालांकि मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे उसके ही कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जाता है, हतोत्साहित करने का काम करती है पार्टी। और जो जमीनी इनके नेता हैं, जैसे उदाहरण के लिए विवेक श्रीवास्तव को जानता हूं, केसी जैन, बहुत सारे नेताओं को जानता हूं जिनको कि दरकिनार करके साइडलाइन कर दिया जाता है क्योंकि वो योग्य हैं। अब उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, उत्तर प्रदेश का उद्योग मंत्री 10वीं पास है, और उत्तर प्रदेश में उद्योग लाने की जो जिम्मेदारी है एक ऐसे नेता के कंधों पे है जिसकी एजुकेशन मात्र 10वीं पास SSC है, SSC करके इंटर भी नहीं किया क्योंकि ये तो 12th वालों को इंटर करवाने की चाहत रखते हैं। और इसी क्रम में आपको एक जमीनी हकीकत बता दूं भारतीय जनता पार्टी की, जो शायद अभी नई नई आई है, आज ही सुबह की खबर मेरे पास भी आई है। लखनऊ UP सरकार का नया कारनामा इनके क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से डिफेंस कॉरिडोर से चर्चित भटगांव में बेच डाली 110 बीघा सरकारी जमीन इन्होंने, और एमा माऊ के तट पे सरोडी नगर तहसील के ऐसे अधिकारी जिन्होंने राजस्व के दस्तावेज बदलकर सत्ता के संरक्षण में भू माफियाओं को 110 बीघा जमीन बेच दी है। मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात सुनिए, जिसको आवंटी दिखाया इन लोगों ने, उनमें कईयों की मौत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक भ्रष्ट पार्टी है, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के गर्त में जा रहा है, और बुंदेलखंड इसका ज्वलंत उदाहरण है। वो ले दीजिए, आप कह दीजिएगा, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा चैनल से मुद्दों पे आएंगे, जो मुद्दे हैं उस पे आइए, लेकिन आज का हमारा जो मुद्दा है आपको डिबेट से इधर उधर ना बैठाइए, आपके पास जरा इनकी आवाज बढ़ाइए प्लीज, इनकी वॉल्यूम भी आपसे पूछा गया कि आपका MY समीकरण दरक रहा है क्या, आपका MY समीकरण नहीं दरक रहा, आपका सारा जमीन दरक गई है। अवनीश जी, मैं आपसे कहूंगी आप अपने स्काइप का माइक ऑन कर ले, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप अपने स्काइप का माइक ऑन कर ले ताकि विवेक जी आपकी आवाज सुन पाए। हाँ, वही लैपटॉप आटा होता तो शायद इनको भी आता, लेकिन अब अगले विवेक पांडे जी, वार पलटवार तो चलता ही रहेगा और ये राजनीति का एक अहम हिस्सा है, आपको क्या लगता है अभी जी, अभी बात देखिए, कहीं ना कहीं नए कार्यकारिणी का गठन समाजवादी पार्टी भी कर रही है, ओपी राजभर के जाने के बाद से और शिवपाल यादव के जो भी बयान आए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं नई कार्यकारिणी का गठन समाजवादी पार्टी भी कर रही है, उसका भी कहना कि पूरी तैयारी के साथ 24 के लिए चुनाव में उतरेगी। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्या MY समीकरण को बिगाड़ते हुए कोई चेहरा अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, उतारती है तो आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं जिलेवार सिलसिले में, और आज वो बनारस और जौनपुर की यात्रा पे हैं इसी क्रम में। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का समीकरण करने के लिए लगातार लुलु मॉल से लेकर सड़क तक इन प्रयोजनों को सिद्ध करने में लगी है, जिसमें कि अब इनके गोद लिए दत्तक दल के ओवैसी जी भी सामने आ चुके हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि इनको अध्यक्ष चाहिए या रिमोट से संचालित होने वाला दिल्ली से चलने वाला उपकरण चाहिए, क्योंकि पूर्व कार्यकाल में इनके स्वतंत्र देव जी जिस प्रकार से पूरी कार्यप्रणाली उनकी दिखी जमीनी स्तर पे, वो तो दिल्ली से संचालित हो रहे थे जितना दिल्ली कहते हैं। सवाल हम अनीश से आगे से ही कर लेते हैं, ये सवाल हम अनीश से, अवनीश बिल्कुल जी, ये सवाल हम अनीश से आगे से करते हैं। अवनीश जी, साफ साफ कहना है कि विवेक पांडे जी का ये कहना है कि इन्हें रिमोट कंट्रोल के लिए कोई चाहिए या फिर इन्हें सच में कोई कार्यकर्ता चाहिए, ये तो आप उसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि अध्यक्ष का फैसला सेंट्रल में हो रहा है, यूपी के अध्यक्ष का फैसला सेंट्रल में हो रहा है, क्या जवाब देंगे आप इस पर? देखिए, सेंट्रल में हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठता है,
केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। हमारा नेतृत्व सिपाही में नहीं बैठा, एक घर में नहीं बैठा कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी मैं बता दूं अखिलेश जी के बाद कौन होगा, ये पता चलिए बता ही दीजिए इसी बात पे उन्नीस त्यागी जी, पहले बता दीजिए कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। सिपाही परिवार से ही होगा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। चलिए मुलायम जी को बना लीजिए, चाचा को बना लीजिए, कार्यकर्ता को सम्मान, चाचा को बना दीजिए, अगर चाचा बनना चाहे तो चाचा को बना लीजिए, भारतीय जनता पार्टी। ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है, यहाँ समीकरण नहीं देखे जाते, यहाँ एक परिवार वंशवादी पार्टी हमारी नहीं है, ये वंशवादी पार्टी में ये पता है कि मुख्यमंत्री भी यही बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे वंशवाद की बात ना करिए, देखिए आपने आंकड़ों को डेटा को देख करके दिया, आप अपने विवेक जी उनको अपने बात रखने दें फिर आप जवाब दीजिए। अध्यक्ष तक पहुंचने का हक है, प्रधानमंत्री पहुंचने का हक है, मुख्यमंत्री पहुंचने का हक है, वहाँ पांडे जी अपनी चिंता करें, पांडे जी कभी पहुंच पाएंगे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंच पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, जिला अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, आप अपनी चिंता करें पांडे जी, हमारी पार्टी बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही नीतियों में चल रही है। क्या ओपी राजभर की भी, तो क्या ओपी राजभर को भी मौका मिल जाएगा क्या अवनीश जी? ये तो बेवकूफी की बातें करने का कोई इलाज नहीं है जिस तरह की बातें कर रहे हैं। वाइस रेडी की सिक्योरिटी तो दी गई, अभी इनका कहना है, विवेक जी का कहना है कि ओपी राजभर जी सुनिए मेरी बात, सिक्योरिटी तो आजम खान को मिली है, सिक्योरिटी तो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को मिली है, सिक्योरिटी मिलने की वजह दूसरी होती है, सिक्योरिटी मिलने का मतलब पार्टियां नहीं होता आने जाने का, इनके दोस्त हैं, अभी राजभर जी इन्हीं के साथ गठबंधन में साथ रहे थे, उन्होंने पोल खोलने शुरू कर दिए तो इनको मिर्च लगनी शुरू हुई है। पांडे जी को अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए, अपना कुनबा बचाना चाहिए, उनका कुनबा किस तरह से बिखर रहा है, समाजवादी पार्टी का वंशवाद किस तरह से बिखर हो रहा है, उसकी चिंता करें, और पांडे जी चिंता करें कि वो कभी बन पाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे मुझे लगता है, वो अखिलेश से मिल पाएंगे, ये बड़ी चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता, एक गरीब से गरीब कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता, एक बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भी कोई सम्मान पा सकता है। चलिए बताइए विवेक पांडे जी, क्या साफ साफ अवनीश त्यागी का कहना है कि पहले तो आप अपना कुनबा बचाइए, आपके कुनबे में जो दरार आ रही है पहले उसको बताओ। उन्होंने एक सवाल और पूछा कि हमारी पार्टी तो आम जनता की पार्टी है, क्या आप खुद अखिलेश यादव से मिल पाएंगे? जवाब दीजिए इसका। मुझे लगता है कि थोड़ा त्यागी जी को आत्ममंथन करना चाहिए, अपनी स्थिति का ही आकलन कर ले कि आज त्यागी जी इतने साल में कितने कौन से पद तक पहुंच सके हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी तो जानी इसलिए जाती है कि अखिलेश यादव जी सबके प्रिय नेता हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के आदर्श नेता हैं। आज मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको कि आज आप अपने ही दल के किसी आईटी सेल से सर्वे करा के देख लीजिए, जहां आपके बाबा कोई पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, उनके लाइक डिसलाइक रिट्वीट और अखिलेश यादव जी की एक छोटी से बयान को भी कितना लोग पसंद करते हैं उसको देखना चाहिए इनको। मुझे लगता है बहरहाल हर राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं का धर्म होता है कि अपने राजनीतिक दल के सकारात्मक पक्ष को मजबूती से रखे, तो त्यागी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि त्यागी जी जैसे जमीनी नेताओं को भी दरकिनार करके साइडलाइन किया जा चुका है और इम्पोर्टेड नेताओं से भाजपा संचालित की जा रही है। तभी तो आप देखिए ना, जतिन प्रसाद जैसे नेताओं को ला करके पार्टी में एक पद दे करके दरकिनार करके कोने में बिठा दिया जाता है, रम में राम को बसाने वाले को ये गोद में लेते हैं, उसको आबकारी मंत्री बिठाते हैं, सालों साल से जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता इनके काम कर रहे हैं उनको दरकिनार करके साइडलाइन कर दिया जाता है और इम्पोर्टेड विधायकों मंत्रियों सांसदों से समाज दर्शकों को बहुत आसानी होगी आप दोनों की बात समझने में। त्यागी जी और विवेक जी, मैं आप दोनों लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि एक एक करके बात रखें तो दर्शक आपकी बात समझ पाएंगे। नहीं नहीं, आपने सवाल मुझसे पूछा था, मैं अपने बारी में जवाब दे रहा हूँ। त्यागी जी मुझे लगता है कि पहली बार इनको अवसर मिला है तो त्यागी जी अपने नंबर बढ़वाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना वो कह सके कहे, लेकिन नहीं नहीं मैं बिल्कुल, तो इसको समझना चाहिए कि डिबेट की शालीनता होती है, डिबेट में जिसका बोलने का मौका होता है उसे बोलने का पूरा मौका देना। अब मेरे तथ्यों को सुन ही नहीं रहे, देखिए बीच में लगातार बोले जा रहे हैं, फिर बोले जा रहे हैं। चलिए विवेक जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूं, मैं आ रही हूं। अवनीश त्यागी अब अपना पक्ष रखे आप, उसके बाद आपका जवाब विवेक जी देंगे। मैं इनसे कह रहा हूं कि पांडे जी बिल्कुल अपनी माओं में रहकर मुद्दों पे बात करें। इस तरह से इन्होंने एक घटिया बात करी है कि राजभर को अध्यक्ष बना दे, ये अध्यक्ष बनाने का काम ये करें तो वो राजभर के पैरों में जाके ये पढ़े। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता इतने समृद्ध हैं और इतने विशाल हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में गिनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को भी संभाले हुए है, एक कार्यकर्ता को संभाले हुए है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीट तक पहुंच सकता है,
और किसी भी पद तक पहुंच सकता है। वहाँ कार्यकर्ता का सम्मान है, मान है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का अभिमान है। ये समाजवादी इन्होंने तो आप पे भी सवाल उठा दिया, अवनीश जी इन्होंने तो आप पे भी सवाल उठा दिया कि आप पुराने जमीनी नेता है, आप कहां तक पहुंचे, जितिन प्रसाद को लाके मंत्री बना दिया गया, इतना बड़ा मंत्रालय दे दिया गया। मैं मंत्रालय नहीं, मैं प्रवक्ता हूं। आप पांडे जी से पूछिए कि पार्टी में हैसियत क्या है, किस पद पे है, बताइए। ठीक है, इनका जवाब इन्हीं से मांगते हैं, बताइए विवेक पांडे जी, दीजिए जवाब। देखिए ऐसा है कि अगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता तो अभी वर्तमान में इनके एक मंत्री ने पुनः इस्तीफा दिया है, और पहले कार्यकाल में 114 मंत्री इनके खुद ही जो विधायक थे, सॉरी माफ कीजिएगा, 114 विधायक इनके इनकी सरकार के खिलाफ सदन में धरने पे बैठ गए थे। बोल लेने दीजिए, देखिए ये तरीका नहीं है, बोल लेने दीजिए। ये देखिए विवेक जी को अपनी बात रखने दें, आप एक एक देखिए जी, आपके बातों का वो जवाब दे रहे हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा अपना बात रखने का। बोले विवेक त्यागी जी को त्यागी जी को समझना चाहिए कि सत्ता दल में है, सत्ता दल में अगर आप उपलब्धि कारक कार्यों से इतना परिपूर्ण है तो इतने इस तरह से हतोत्साहित होकर के बीच में जवाब नहीं देना चाहिए, देने का प्रयास ना करें, सुनने की क्षमता रखिए। दूसरी बात, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लोकार्पण किया 14,000-15,000 करोड़ के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए, उस बुंदेलखंड की पोल खुल गई भाई, वो धंस गया कई जगह से, और कई जगह उसमें छेद हो गए, वहां पे पानी का भरा हो रहा है, लोग गाड़ियां नियंत्रित नहीं हो पा रही है उस बुंदेलखंड में। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, 31 तारीख को आपके CEO जो है आदरणीय अवनीश अवस्थी जी रिटायर होने वाले हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी सुशासन वाली सरकार क्या उनका कार्यकाल बढ़ाने जा रही है भ्रष्टाचार पे इंक्वायरी करने के लिए, या फाइलों को दबवाने के लिए, या हाईकोर्ट की निगरानी में NHAI की निगरानी में कोई SIT गठित करेंगे कि ये बंदरबाट कहाँ की गई, और या उनको रिटायर कर दिया जाएगा ताकि इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से फाइलों को दबा दिया जाए। मैं तो ये सवाल भी उठा रहा हूँ भाई, सुशासन की बात करने वाले जरा पलट करके अपना इतिहास देख लें। भारत की आजादी से लेके आज तक उत्तर प्रदेश के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। मेट्रो जहां तक अखिलेश यादव जी ने बनवाई वहीं तक रह गई, उसके आगे मेट्रो की एक परिधि को ये बढ़ा ना सके। भाई सड़कों की बात करते हैं, हमने तो 370 किलोमीटर के राजमार्ग पे आगरा एक्सप्रेस वे पे वायु सुखोई और मिग जैसे प्लेन उतार के दिखा दिए, आज तक उसकी गुणवत्ता पे सवाल नहीं उठते हैं। एक इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात की, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस की अलाइनमेंट और जमीन की एक्विजिशन करके दे दी, उसके ऊपर भी इन्होंने 700 रुपए का टोल लाद दिया। और ब्रेड और दूध की बात तो आप देख ही रही है, दूध पनीर पे तो इन्होंने टैक्स लगा दिया, GST लगा दी, शिक्षा पे GST लगा दी। सारी बातों का जवाब आपको खुद देंगे अवनीश जी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अवनीश अवस्थी की बात आपने करी वो ACS होम है, वो CEO नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ना 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 ना, आप शायद पता कर लीजिएगा, वो ACS होम है प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए ब्यूरोक्रेट्स पे ऐसे सवाल ना उठाए विवेक जी, देखिए राजनीति से हटके हैं, ब्यूरोक्रेट्स पे ऐसे सवाल ना उठाए। ठीक है, लेकिन सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये जवाब देना। 14,000-15,000 करोड़ जनता के टैक्स के पैसे के लोकार्पण के बाद 5 दिन के बाद जहाँ बारिश भी नहीं होती वहाँ पे सड़क उखड़ गई, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? चलिए अवनीश जी अपना पूछ, भारतीय जनता पार्टी विकास के वो पत्थर स्थापित कर रही है, वो गतिमान बना रही है, वो मील के पत्थर स्थापित कर रही है जिनको पूरा करना। बुंदेलखंड के भ्रष्टाचार पे SIT गठित होगी, इसका जवाब दीजिए पहले। पार्टी की विकास की नीतियों, चलिए बस इतना बता दें, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, चलिए ठीक है, जनता पार्टी बिल्कुल बिल्कुल साथ थी जनता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाए। दूसरे कार्यकाल में दो दिन के कार्यकाल में भारतीय जनता, भारत उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी, नहीं नहीं ये बात घुमा रहा है, इनसे स्पष्ट सवाल है मेरा क्या? चलिए ठीक है अवनीश जी, अवनीश जी आप अपना पक्ष रखिएगा, एक सीधा मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ ना, मैंने सवाल करा की पार्टी ये बताए ना पार्टी व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछना चाह रहे हैं और मुद्दे पे बात ना करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये उसको बताएं ना कि क्यों आजमगढ़ हारे, क्यों रामपुर हारे, क्यों भाई क्यों मुद्दे पे बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए क्यों आएंगे, जनता के पैसे क्या खैरात में मिलते हैं क्या, आपकी पार्टी के राजनीतिक दल के पैसे से बनाए क्या मुद्दे पे आरोप लगा रहे हैं, क्यों आप राष्ट्रपति चुनाव में 5 लोगों ने आपका क्रॉस वोटिंग करी, क्यों हुआ, क्यों आपका कुर्बानी बचना, क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, इनको छापे, इनको देखे, और जनता आपके साथ नहीं है, जनता बार बार बता रही है 2014 के बाद से लगातार मार का चौका लगाने वाली पार्टी आप। तो अवनीश जी आप लोगों ने जिस तरह से समाजवादी के गढ़ में ही सेंधमारी कर दी उपचुनाव में भी, तो क्या आप साधने की कोशिश करेंगे आप लोग भी पूरी तरह से, जो इनका MY समीकरण है 24 में? अवनीश जी मैं बता रहा हूँ, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास,
और सभी का प्रयास, ये सभी के प्रयास में एक ऐसा मंत्र है कि हम सभी को जोड़ने के काम कर रहे हैं और सभी लोग जुड़ भी रहे हैं। आप देखिए चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार को है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नीतियों और उनके क्रियाकलापों से प्रदेश की जनता संतुष्ट है, इसलिए बार बार उनको जीत का तोहफा दे रही है। और सत्ता में जो विपक्षी दल थे, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, उनको न सत्ता में जगह मिल पा रही है ना उनको बयानबाजी से केवल सुशासन नहीं गाया होगा ना। मैंने आपसे एक स्पष्ट सवाल पूछा, उसका इस पर जवाब दीजिए। यूपी डा के यूपी इंडस्ट्रियल एक्सप्रेस वे के डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ जो 31 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, क्या उनके ऊपर कोई जांच होगी जिनके नेतृत्व में ये पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया? मैंने एक सवाल पूछा, एक लाइन में हाँ या ना में जवाब दें, बस बात खत्म हो गई। इसी से इनका सुशासन सामने दिखाई देता है। दाएं बाएं भाग रहे, बोलने की हिम्मत है नहीं, लगातार घोटालों पे घोटाले सामने आ रहे हैं। बात कर रहे हैं सुशासन की, उनका जवाब दीजिए, जनता को जवाब दीजिए, हमें भी मत दीजिए। अरे जनता को ही जवाब दे रहे, जनता के ही सवाल पूछ रहे हैं भाई, ये उंगली मत दिखाइए, जनता को ही जवाब, जनता के सवाल पूछ रहे हैं। जनता ने आपको सजा दी है और सजा एक बार नहीं दी है, लगातार सजा मिल रही है। सुनिए सुनिए त्यागी जी, 15 साल के बाद सत्ता में लौटे हैं आप, सुनिए, जनता ने 15 साल तक आपको सत्ता के बाहर का रास्ता दिखा के बिठाया था, उसका कारण क्या था ये बता दीजिए। 5 साल में 5 चुनाव जीतने से अगर आपको लग रहा है कि प्रचंड अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहा है, तो 15 साल भाजपा सत्ता से बाहर रही है, जरा उसका जवाब दे दीजिए। 15 साल के आप जनता के जूते के नीचे भी नहीं थे क्या? 15 साल के बाद सत्ता में वापसी हुई है, इतना प्रचंड अहंकार मत दिखाइए। आप जो बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि आप भाषा को तर्कपूर्ण रखिए ना, ये केवल आलोचना करना, आलोचना से तर्क साबित हो जाएंगे कि आपका सत्य साबित हो जाएगा। बात करिए, वहम आपको ये है कि जनता आपके साथ है, ये खत्म हो गया। वहम आपको है 15 साल के बाद लौटे हैं, उसके बाद वहम आपको है कि आप एकदम आजीवन सत्ता में बने रहेंगे। जिस तरह से आपने संसद को नहीं चलने दिया, जिस तरह से आप संसद में महंगाई के मुद्दों से भाग रहे हैं, ये दिन में जनता आपको भगोड़ा घोषित कर देगी मुद्दों से भागने पे। जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जनता ने आपको आईना दिखा दिया है कि घरों में बैठ। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, सदन के अंदर महंगाई पे चर्चा से सरकार क्यों भाग रही करने वालों, जवाब दे दीजिए ना। कोई जगह नहीं है जनता उन्हें, सदन के अंदर सरकार महंगाई पे चर्चा से क्यों भाग रही है, एक लाइन में जवाब दीजिए ना। जनता हर, क्या आप लोग जब विपक्ष में थे क्या आप लोगों ने इस तरह से कभी हंगामा नहीं किया? आप इधर उधर आपकी बोलती बंद हो जाती है, आपके कोई नेता महंगाई पे बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते हैं। यूपी एसआई के आज हाईकोर्ट ने फटकार लगा दिया आपको, ब्लैक लिस्टेड फर्म को आपने क्यों एग्जाम कराने का ठेका दिया जिससे पहले पर्चे लीक करा दिए थे? ना उनके चिंतन करने का समय है, केवल नेगेटिव राजनीति करने की बातें के अलावा आप नहीं नहीं नेगेटिव तो आपने किया है। 360 रुपए में बिकने वाला सिलेंडर आज 1100 रुपए में बेच रहे हैं, और उसके ऊपर रखने का काम केवल आपकी पार्टी करेगी। भाई 360 रुपए में बिकने वाला सिलेंडर आज 1100 रुपए में बेच के आप उसको निगेटिव राजनीति बताएंगे विपक्ष की, तो मुझे लगता है आपको आप चिंतन करने की जरूरत है, राजनीतिक समझ नहीं है शायद आपके अंदर। अभी चूड़िया भेजते थे आप प्रधानमंत्री को, शर्म नाम की चीज समझ नहीं आप, आंखों के आंसू सूख चुके हैं। ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया, ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया को किस तरह से आपने दिल्ली में बेइज्जत किया है, किस तरह से उसके बाल घसीट करके उसको गाड़ी में खींचा है, वो सबने देखा। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं व्यक्तिगत बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ, जनता के सवाल उठा रहा हूँ। आपको व्यक्तिगत क्यों लगने लगता है भाई? बात नहीं कर रहे आप, इधर उधर की बातें करके 1100 रुपए का सिलेंडर व्यक्तिगत है क्या? गरिमा को खत्म करना चाह रहे हैं, अपनी स्थिति खराब करना। गरिमा आपकी, गरिमा आपके अंदर है कहाँ? आपकी राजनीतिक दल में गरिमा का है? बलात्कार बताइए, अब वहाँ पे बलात्कार का वहाँ पे चलाने वाला वैश्यालय चलाने वाला यूपी में पकड़ा जाता है आपका, बताइए भाजपा का पदाधिकारी 2 दिन पहले ही पकड़ा है पुलिस ने उसको, बात कर रहे हैं इसकी गरिमा की बात कर रहे हैं आप? बाहर सीट पे बैठा रही है और नकारात्मक राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता। नहीं नहीं आपकी सकारात्मक राजनीति आपको याद दिला दूं, 60 रुपए 62 रुपए का पेट्रोल जब बिक रहा था तो उस समय सड़कों पे आप लोग पूरी तरह से सड़कों पे उतर करके नाचने का काम करते थे। एक सेकंड विवेक पांडे जी, एक सवाल आपसे मेरा, जनता ने आप पे भी भरोसा दिखाया है, 100 के ऊपर विधायक आपके पास भी हैं, जनता ने आप पे भरोसा दिखाया है। आपने अभी कहा कि जब 360 रुपए सिलेंडर था तो आप रोडों पर थे, ठीक है, आज जब 1100 रुपए हुआ तो समाजवादी पार्टी कहां दिख रही है, कहां जनता की आवाज उठा रही है, जवाब दे आप इसका। समाजवादी पार्टी, जनता ने तो आप पे भी भरोसा दिखाया, 100 के ऊपर विधायक दिया आपको। सुन लीजिए समाजवादी पार्टी ना दिखाई देती ना सुनाई देती,
तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पारिवारिक मुद्दों को राजनीतिकरण करते हुए समाजवादी पार्टी को दबाने का रोकने का प्रयास करते हैं। उनका एजेंडा है क्योंकि देखिए लगातार जनता यही कह रही है कि हमने, मेरी बात सुनिए, जनता का ये कहना है कि हमने भरोसा दिखाया जनता के बीच जाने का नहीं। त्यागी जी थोड़ा सवाल कर रहे थे, त्यागी जी सवाल कर रहे थे। अभी देखिए बेसिकली मैं आपको डिफाइन कर दूं, जो शो है हमारे सिर्फ हम पब्लिक के सवाल आपसे उठाते हैं, हमारा पर्सनल कोई सवाल नहीं रहता है, ये पब्लिक के सवाल है और आप दोनों एक दूसरे की बातों का जवाब दे रहे हैं। जनता का लगातार ये कहना है कि हमने तो समाजवादी पार्टी पे भी भरोसा दिखाया, अब आए ना रोड पे समाजवादी पार्टी, युवा कार्यकर्ता कहाँ है समाजवादी पार्टी के, कब प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कब विरोध दिखाएंगे महंगाई का? जी बिल्कुल, मैं जवाब दे दूं, बिल्कुल जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। समाजवादी पार्टी अपनी उसी रणनीति के तहत, क्योंकि देखिए हमारी कार्यकारिणी, क्योंकि जो कार्यकारिणी का कार्यकाल था पूरा होने के बाद सारी कार्यकारिणी भंग की गई है, नई कार्यकारिणी का पूरी तरह से गठन किया जा रहा है और उसी क्रम में जिलेवार सिलसिले में जा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं और रणनीति पे बनने का काम हो रहा है और बहुत जल्द आपको सड़कों पे वही उग्र आंदोलन दिखाई देगा जिसके लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। तो मैं तो कह रहा हूँ सुनामी के आने के पहले की खामोशी को ये चेतावनी समझ ले कि बहुत जल्दी आपको बहुत मजबूत विपक्ष सदन में भी घेरने जा रहा है और सड़कों पे भी घेरने जा रहा है। चलिए ठीक है, फिर हम मुद्दे पे ही वापस आ जाते हैं जो हमारा मुद्दा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल खत्म होने वाला और तमाम तरह की अटकलें लगा रही और जनता का भी ये कहना है कि पूरी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई है, नया चेहरा भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में ही दरार डालने की कोशिश करेगी और नया चेहरा लाएगी, किसके लिए कितना समाजवादी पार्टी तैयार है और समाजवादी पार्टी के क्या अहम चेहरे होंगे और जो आप इल्जाम लग रहे हैं लगातार आपके जो गठबंधन के नेता है ओपी राजभर, आप पे इल्जाम लगाकर आपसे अलग हो गए कि शोषित वंचित और दलितों के साथ नहीं है समाजवादी पार्टी। साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया कि अखिलेश यादव अपने बराबरी में किसी को बैठते हुए नहीं देखना चाहते, अगर दलितों ओबीसी की पार्टी है तो क्यों नहीं किसी ओबीसी या दलित को डिप्टी सीएम बनाया, क्या जवाब देंगे आप इस पर? और अगर इतने इल्जाम लग रहे हैं तो 2024 की क्या तैयारी है आपकी? एमकेवाई समीकरण आपका एमवाई हो गया है, मुस्लिम कुर्मी यादव आपका मुस्लिम और यादव हो गया है अब। हाँ मैं जवाब दे दूं, जी बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य को देखिए बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछड़ों के नेता बनकर के आए थे और जिस तरह से बराबर 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 12,464 शिक्षक भर्ती आधे से ज्यादा भर्तियां निरस्त हो गई, आज भी सड़कों पे जब जाते हैं मांगने बेरोजगार तो भाजपा कार्यालय पे लाठियों से पीटा जाता है, इको गार्डन फेंक दिया जाता है। तो पिछड़ों की बात, केशव प्रसाद अपना अस्तित्व खो चुके हैं भाजपा में, उनको केवल एक प्रचार मंत्री बना करके रख दिया गया है। दूसरी बात पे आता हूँ, भाजपा का अध्यक्ष कोई बने, चाल चरित्र और चेहरे से ये राजनीतिक दल अपना संयम अपना अस्तित्व, अटल की भाजपा नहीं है ये, अडानी अंबानी की भाजपा है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये परिवारवाद की बात करते करते हम तो धन्यवाद करते हैं कि परिवारवाद की बात करने वाली पार्टी आज खुद परिवारवाद को आत्मसात कर रही है। हमने धार्मिक चेतनाओं को बचाने का काम किया, जो रम में राम बसा रहे थे हमने उनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया और इन्होंने पूरा गोद लेते हुए उसे आबकारी मंत्री बना दिया। तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि, और रही बात, आ जाइए ओपी राजभर जी पे, राजनीतिक गलियारे में गठबंधन मनमानी का कारक नहीं होता, जब दो राजनीतिक दलों में किसी भी तरह का गठबंधन होता है तो वह राजनीतिक मनमानियों को रोकने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। अब उन राजनीतिक मनमानियों को न पूरा करने के कारण जिस तरह से ओपी राजभर जी तो स्वयं तलाक का इंतजार कर रहे थे, तो वो तो खुद ही कह रहे थे मीडिया में जाके कि हम तो तलाक का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई हमने तो उनको सिर्फ एक अपना शिष्टाचार के साथ निवेदन किया कि जहां आपको सम्मान अधिक मिले वहां ले लीजिए, तो उन्होंने तुरंत सम्मान लेते हुए वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त कर ली। तो भाई मुझे लगता है ये राजनीतिक गलियारों में, देखिए परिवार की जुड़ी बातों से प्रदेश का विकास नहीं होना है और प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए, मुद्दों पे बात ना करने के लिए भाजपा इस तरह के स्वांग रचते हुए मुद्दों को बचाने के लिए, मुद्दों से भागने के लिए इस तरह के मुद्दे सामने लाने का प्रयास कर रही है, जो हमारे लिए बहुत सार्थक चर्चा का विषय नहीं है। भाई जिसको समाजवादी पार्टी में प्रदेश के विकास की गति में जुड़ना है उसके लिए रेड कार्पेट बिछा है, जिसको भाजपा की गोद में बैठ के अपने अस्तित्व को समाप्त करना है जितेंद्र प्रसाद की तरह वो जा सकता है, हम तो खुद खुला दरवाजा खुला हुआ है। ये कहने की भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन करता है अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है भारतीय जनता पार्टी की गोद में, ये उदाहरण तो मिसाल है राजनीतिक गलियारों की, तो ये मिसाल है। आप इनके कई नेताओं को देख लीजिए जो कि समाजवादी पार्टी में सम्मानित नेता माने जाते थे, कुछ नेता जो भारतीय जनता पार्टी में गए उनका अस्तित्व समाप्त करके इन्होंने एक बगले बिठा दिया, एक कोना दिखा दिया है। अब मैं तो कह रहा हूँ निवेदन के साथ, आप अपर्णा यादव जी को चाहे बना दीजिए, चाहे आदरणीय शिवपाल चाचा को बनाइए, चाहे राजभर जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए,
भाई अगर वो समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है तो आपके लिए तो हमारे आपके लिए तो एक विरासत हो गई वो, आपने तो उन्हें हासिल किया है, बनाइए ना। इतनी नाराजगी किस बात की हो गई शिवपाल यादव से, संस्थापक सदस्य है वो समाजवादी पार्टी के। इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ मैं। देखिए आदरणीय शिवपाल जी का सम्मान, पारिवारिक सम्मान आज भी वही है जो पहले था। परिवार का सम्मान था, है, रहेगा। होली में ही हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी। लेकिन राजनीतिक मनमानियों का दौर नहीं चलने देंगे, अपराधीकरण किसी भी तरह का नहीं स्वीकार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में स्वच्छंद राजनीति करने वाले हर जननायक राजनेता का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। जिस तरह से इन्हीं के 14-17 विधायक चुनाव के पहले इनकी इनके राजनीतिक दल को छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए थे, तो जहां सम्मान मिलेगा, आदमी व्यक्ति राजनेता स्वतंत्र है, वो वहां जा सकता है। इनके नेता भी तो समाजवादी पार्टी में आए थे। तो राजनीति में बहुत आम सी बात है विवेक पांडे जी, ये तो चलता रहता है। दल बदल की राजनीति तो उत्तर प्रदेश की पुरानी राजनीति है। अवनीश अवस्थी जी, साफ साफ विवेक जी का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया था ओपी राजभर के पार्टी छोड़ने के बाद कि समाजवादी पार्टी में दलित शोषित वंचित की कोई जगह नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाया, तो इनका ये कहना है कि आप लोगों ने केशव मौर्य को सिर्फ प्रचार के लिए डिप्टी सीएम बना रखा है, क्या कहेंगे आपस पर? देखिए ये जो आपने आज डिबेट में बैठा दिया, मैं बड़े आवाज के साथ ये बात करना चाहता हूँ। और आदरणीय केशव मौर्य जी के लिए जो इन्होंने कहा है ये बहुत दुर्भाग्य है। इससे पहले मेरे सर व्यक्तिगत टिप्पणी कर चुके हैं। मैं तो इनसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी की केस है, ये किस तरह की समझ रखते हैं राजनीति, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि ओपी राजभर की अपनी पार्टी है, शिवपाल जी की अपनी पार्टी है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहे थे और ये अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, ये हमें सलाह दे रहे हैं। जब आप ये बात जानते हैं कि उनकी अपनी पार्टी है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके मनमाने पर जितनी बकवास जितनी फालतू बातें करी मैंने सब सुनी है इनकी बातें, और जो सिर पैर की बातें जो जो वे सिर पैर की बातें कर रहे थे, ये बातें लॉजिकली नहीं है। उनकी अपनी पार्टी में क्या है ये नहीं बता पाए, ये पार्टी में किस ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ये नहीं बता पाए। हमें सलाह दे रहे हैं कि ओपी राजभर की अपनी पार्टी है, उनसे आप गठबंधन करे हुए थे, उनके साथ आप जय जयकार कार्य कर रहे थे, तब नहीं समझ पा रहा था आपको कौन है ओपी राजभर। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कार्यकर्ता उनकी कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक सक्षम कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज जनता उसके साथ है, और जनता उसके साथ है तो जनता ने रेड कारपेट हमारे लिए बिछाया है। वो धोखेबाज दोगले और जो जनता को बांटना चाह रहे थे और जो जनता के साथ फ्रेम कर रहे थे, जो वंशवाद फैला रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। चार बार हार का चौका लगने के बाद तो शर्म आनी चाहिए, जो कल आपने बताते थे उनको भी शर्म आनी चाहिए। आप पांडे जी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, ये ज्यादा अच्छा होगा, व्यक्तिगत टिप्पणी बंद करें और सीधी सीधी बात करें। डिबेट में बैठने का मतलब ये नहीं होता कि अनाप शनाप कुछ ही बोल दे। मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, एक कार्यकर्ता बनेगा और कार्यकर्ता बनेगा और 2024 में 80 की 80 सीट जिसके भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी। आप अपने गढ़ भी नहीं बचा पा रहे, आप अपनी चिंता करें, अपने परिवार की, अपने बच्चे की चिंता करें, और मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से आप भी अपनी चिंता करें। चलिए विवेक पांडे जी, कम शब्दों में अपना जवाब रखें, आप समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, इन्होंने जो कहा आप जरा मुझे बता दीजिए, क्योंकि इनकी आवाज मैं बार बार कह रहा हूँ मुझ तक नहीं पहुंच रही है। इन्होंने ये कहा कि अध्यक्ष जिसको भी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी वो एक कार्यकर्ता होगा, जमीन से जुड़ा होगा, वेल डिजर्विंग होगा, उसको बनाएगी और उसकी अध्यक्षता में फिर से 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बहुमत के साथ जीतेगी। ठीक है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं आपको कि हर राजनीतिक दल जब अपना अध्यक्ष चुनता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे संगठन ही क्यों ना हो, वो जमीनी कार्यकर्ताओं को ही चुन करके मजबूत करने के लिए संगठन को आगे लाता है। ये कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, जो कि ये भाजपा जो करने जा रही है बहुत बड़ी मिसाल साबित होगी। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ये संगठन इनके आंतरिक मसलों से जुड़ा विषय है, लेकिन किस प्रकार से भाजपा हिंदुत्व के नाम की राजनीति करते आई और किस प्रकार से जयचंदों का समीकरण इनके राजनीतिक दल की एक मिसाल है, वो तो महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला। जिस शिवसेना ने सालों साल इनको ऑक्सीजन दिया हिंदुत्व के नाम का, जिस शिवसेना ने राम मंदिर में सबसे अहम भूमिका निभाई, उस शिवसेना को इन्होंने दरकिनार करा दिया। और सबसे बड़ी बात है, ये तो सदन में बाकायदा फडणवीस जी और शिंदे साहब के बाकायदा आपसी स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है कि किस प्रकार से शिवसेना ने महाराष्ट्र में चुनी सरकार को गिराने का काम किया भाजपा ने वहां पे शिवसेना की सरकार को। तो मुझे लगता है कि ये ना बताएं कि राजनीतिक शिष्टाचार क्या होता है, सबसे बड़ी बात है, ये आपका आंतरिक विषय है।
आप किसी को चुनिए, हमारे लिए आप एक विपक्ष की तरह हैं, हमारे लिए आप एक सत्ता दल हैं। सवाल आपसे पूछे जाएंगे, प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास से जुड़े सवाल जो है वो भाजपा से पूछे जाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि आप आज जितने बातों को यहाँ पर लेकर के अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, आप ही के राजभर जी चाहे शिवपाल जी, बुंदेलखंड के भ्रष्टाचार पे एक शब्द ना निकला अभी तक इनके राजनीतिक दलों के माध्यम से, अगर मैं राजनीतिक दल की बात करूं। और बुंदेलखंड पे तो आप बगले झांकते नजर आए, तो मुझे लगता है कि जब आप खुद कीचड़ में धंसे हुए हैं कमल के फूल की तरह, तो मुझे लगता है कि आप सुशासन, संयम, राम राज्य की बात को नहीं साबित कर पा रहे हैं, पूरी तरह से आप फेल है। और एक बात मत भूलिए, पांच साल रटने की जगह रट्टू तोते की तरह ये भी ध्यान रखिए, 15 साल बाद सरकार में वापसी हुई है और अब की बार जाएंगे तो 30 साल के बाद वापसी शायद ही हो। तो मुझे लगता है कि इन हल्के तर्कों से बचना चाहिए। आप एक गंभीर परिपक्व नेता है, आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आपकी स्थिति को भी मैंने देखा, जिस प्रकार से आप आरोपित करने का समाजवादी पार्टी को प्रयास कर रहे थे, जब खुद भ्रष्टाचार में हाथ और पैर गीले हो, तो मुझे लगता है दूसरों पर सवाल उठाने से अच्छा है अपने घर को देखिए। चलिए अवनीश त्यागी जी, क्या जवाब देंगे आप इसका? इतने हल्के आदमी को बैठा लिया, मुझे अगर पता होता तो मैं विचार करता। देखिए आप व्यक्तिगत ना हो अनिश त्यागी जी, जब दो प्रवक्ता बैठते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है। प्रदेश अध्यक्ष की बात है या शिवसेना कहाँ से आ रही है? ये मैं कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, तो कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री था वहाँ का अखिलेश यादव, वो क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, क्यों परिवार में बना, क्यों अखिलेश नाराज होकर भागे, क्यों उनके परिवार में भगदड़ मच रही है? क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोकतंत्र है। गरीब कार्यकर्ता का, आम कार्यकर्ता का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। और मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि ये जो अहंकार है ना समाजवादी पार्टी का, ये उसको ले डूब रहा है। ये लगातार हार का जो चौका, ये चार बार का हारने के बाद आदमी बोलने का संपर्क नहीं करता, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये उसको छोड़ें, अपने अंदर को झांके, अपने परिवार को बचाएं, अपने दिल्ली में बिठा रखा है सदन के बाहर, अपने कार्यकर्ताओं से बात करने से भाग आप रहे हैं, इस तरह से बगावत हो रही है, जो आंदोलन जनता पार्टी हो रहा है उसको रोके, उसे संभाले। चलिए आप सब दोनों से मैं एक आग्रह करना चाहूंगी कि आप जब भी मेरे डिबेट में बैठे तो प्लीज मुद्दे से ना भटके। फिलहाल आप लोगों ने अपना पक्ष रखा, बिल्कुल आप, क्योंकि आप लोगों को मैं फिर से जी आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता दूं, तो व्यक्तिगत बातों में रुक नहीं पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी इन्होंने शुरू करी है आप लोगों जी, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को मैं फिर एक बार ये बात बता देना चाहूंगी कि डिबेट, मेरी बात सुन ले अवनीश जी, मेरी बात सुन ले अवनीश जी, मेरी बात सुन ले, क्योंकि ये कोई डिबेट शो नहीं है, ये कोई बैठ के चिल्लाने का जगह नहीं है, ये एक नॉर्मल सा मेरा शो है जिसमें मैं जनता के बीच में जाती हूँ, उनसे सवाल पूछती हूँ और उनके पूछे हुए सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि प्लीज दोबारा से आप लोग जब भी बैठे, आप दोनों लोग बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, तो प्लीज पर्सनल ना हो, प्लीज पर्सनल जितने शुरू करा उससे कहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ विवेक जी भी है, विवेक जी भी है हमारे साथ जी, विवेक जी उन्होंने ही शुरू करा, उन्होंने गड़बड़ शुरू करी है। मैं मुद्दे पे था, मुद्दों की बात कर रहा था, मैं कार्यकर्ता की बात कर रहा था, पार्टी की नीतियों की बात कर रहा था, पार्टियों के अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहा था, आपने मुझसे पूछा, मैंने बताया। जो व्यक्तिगत बातें शुरू करी है, व्यक्तिगत आक्षेप लगाने शुरू करी है, तब माहौल बदला है, उनको रोकिए, उनको समझाइए। चलिए ठीक है विवेक जी, मुझे लगता है कि अगर त्यागी जी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझसे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो आपके अंदर अभी इस तरह का दर्द और दुख आपने देखा, ये लगातार समाजवादी पार्टी कई दिनों से झेल रही है, जिस तरह से पारिवारिक मुद्दों को राजनीतिकरण करते हुए इन्हीं के कई प्रवक्ता बैठ करके डिबेट करते हैं दूसरे मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरी बात आ जाए तो मुझे लगता है कि आत्ममुग्धता से थोड़ा बचना चाहिए। राजनीतिक दल के प्रवक्ता जब हम बैठे हैं तो हम, आप हम पे आरोप लगाते हैं तो हमने भी आपसे दो सवाल पूछ लिए, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए, लेकिन मैंने आपसे फिर भी क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, एक राजनीतिक शिष्टाचार के नाते मैं अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांग ले रहा हूँ, लेकिन मुद्दों से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने आपने जिस तरह से राजनीति में परिवार को खुलाने का प्रयास किया, जिस तरह से आपने शिवपाल जी के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, जिस तरह से बुंदेलखंड के मुद्दे पे आप दरकिनार हो गए, मैं तो सवाल पूछूंगा, नहीं नहीं क्यों, समाजवादी पार्टी जवाब देगी क्या, समाजवादी पार्टी जवाब देगी क्या? अरे त्यागी जी आप वरिष्ठ हैं,
इतना संयम और धैर्य रखते हैं, समाजवादी पार्टी जवाब देगी क्या? क्यों जब आप आरोप लगाते हैं तब हम भी तो जवाब देते हैं? ना 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 ना, चलिए चलिए, आरोप लगाते हैं जवाब हम भी देते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े थे, जिन्होंने साफ किया कि किस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है, किस तरह का राजनीतिक माहौल साफ सब बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सीधे सीधे कहना है कि पारिवारिक टिप्पणी जो आप लोग कर रहे हैं उसी तरह की प्रताड़ना लगातार समाजवादी पार्टी झेल रही है, और इन सभी के बीच जो सबसे बड़ी अटकलें लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है कि आखिर अगला सेनापति कौन होगा। समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह से साधने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी यूपी की जनता को, और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मीटिंग करके कौन चेहरा होगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष का उसको फाइनल करने में। फिलहाल ये वक्त आने पर ही पता चलेगा कि कौन इस सेनापति की रेस में आगे है। आज के इस शो में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।